आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज हम अपने टॉपिक में बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जो कि केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। क्या है ये, तो चलिए आपको बताते हैं। इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। यानी कि नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की। दरअसल आज शनिवार यानी 24 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगा। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। जी हाँ, इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम यानी कि बेसिक मिनिमम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में उसे मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की इस दरमियान मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। और अगर कोई 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन भी मिलेगा। सरकार इसके लिए अरियर का भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि अगर राज्य की सरकार यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहती हैं तो वो भी इसे लागू कर सकती हैं। यानी एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस ला रही है। सरकार ने एक तरह से ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की यूपीएस के जरिए काट निकाली है, ये आप मान सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी और इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा। कर्मचारियों के पास एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्स सेक्शंस का लाभ मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने वाले समय में लागू होगी, मतलब सरकार ने जिस पेंशन स्कीम का ऐलान किया है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, यानी कि अगले साल। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। 50% सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपए प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी ही। यानी कि 10 साल अगर कोई नौकरी करता है तो उसे हर महीने 10,000 पेंशन के रूप में मिलेगा ही। अब ये कैसे लागू की गई है ये स्कीम, वो आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजनीति करता रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म यानी कि JCM के साथ कई बार मीटिंग की और इसके बाद दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम लागू है इस पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार के बजट को समझने के लिए RBI के साथ मीटिंग की गई और इसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से ये मांग की गई थी कि उन्हें सुनिश्चित पेंशन दी जाए, यानी कि एश्योर्ड अमाउंट की मांग सरकारी कर्मचारियों की तरफ से की जा रही थी और इस डिमांड पर हमने रिसर्च किया और 50% सुनिश्चित पेंशन इस योजना के तहत लेकर आए हैं। तो यानी कि अब सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी भी है कि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी और जिस तरह सरकार ने कहा कि बहुत सोच समझ कर इसको किया गया है तो भरसक उम्मीद यही है कि
आने वाले दिनों में इसका सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो सके और सरकारी कर्मचारी इसको किस तरह से ले रहे हैं फिलहाल अभी देखना बाकी है। इस टॉपिक में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।